कांगड़ा जिला में बर्ड फ्लू के खतरे के चलते अब हमीरपुर में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने पशुपालन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों तथा पोल्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने जिला में एडवाइजरी जारी करते हुए बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सतर्क रहने के साथ साथ बीमारी से बचाव करने के लिए भी कहा है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि कांगड़ा जिला बहुत नजदीक है और इसके चलते हमीरपुर जिला में भी अलर्ट जारी करते एडवाइजरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जिला में पक्षियों के समूह पर नजर रखें। गौरतलब है कि कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के कुछ क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों के मरने और उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हमीरपुर जिले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देवश्वेता बनिक ने पशुपालन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला में अगर कहीं पर भी पक्षियों, पोल्ट्री फार्मों अथवा घरों में रखी मुर्गियों में किसी भी तरह की बीमारी या मरने के मामले सामने आते हैं तो त्वरित कदम उठाएं तथा प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने अधिकारियों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए एक्शन प्लान के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। अपील करेंगे और एडवाइजरी भी जारी करेंगे कि कांगड़ा क्योंकि नज़दीक है हमारे, तो वहाँ पे बर्ड फ्लू के कुछ मामले जो हैं वो ऐसे संदिग्ध मामले आए हैं सामने, तो इसी के चलते जो है खुद अपनी जो है जैसे चिकन हम पोल्ट्री का इस्तेमाल करते हैं या घरों में बनाते हैं उसको जो है सावधानी के साथ करें और कोई भी इस तरह की कुछ किसी को भी ऐसे डाउट्स हो या कोई सवाल हो तो तुरंत एनिमल हस्बेंड्री विभाग से संपर्क करें और जो जो एडवाइजरीज जो है हमारी तरफ से जाएंगी उनका भरपूर पालन करें ताकि हमारे ज़िले में जो है इसका ज़्यादा कोई जो है विपरीत परिस्थिति जो है पैदा ना हो सके।